खबर इटावा से है, जहां पर कोचिंग में जनपद का जाना पहचाना नाम साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि आनंद मित्तल सर द्वारा संचालित किया जाता है, आज उनके बच्चों ने इतिहास रच दिया। कक्षा 10 की CBSE की परीक्षा में 6 छात्राओं ने साइंस विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए तथा 15 बच्चों ने 99% व 7 बच्चों ने 98% व 9 बच्चों ने 97% व 9 बच्चों ने 96% एवं 30 बच्चों ने 95% अंक प्राप्त किए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। संचालक आनंद मित्तल सर द्वारा बच्चों को माल्यार्पण कर तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। बच्चे अपनी सफलता पर काफी उत्साहित थे, खुशी में झूम रहे थे। कोचिंग सेंटर के संचालक आनंद मित्तल सर ने बताया कि बच्चों ने जो मेहनत की है, यह सब उसी का नतीजा है। आज बच्चे टॉपर आए हैं और उन्हें 100% अंक लेकर लाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस संबंध में जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने बताया कि यह सब मित्तल सर का ही करिश्मा है। सर की वजह से ही आज हम इतने अच्छे अंक प्राप्त कर सके हैं। वह हर समस्या का हल बता हैं, इसमें इनका सारा रे मित्तल सर तथा हम लोगों के माँ बाप को जाता है। इन बच्चों का सपना है कि वह भविष्य में इंजीनियर, साइंटिस्ट और डॉक्टर बनेंगे। हमारे चंडीगढ़ पुलिस में क्लियर हो जाएगी और शायद ये रिकॉर्ड बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से, सेंट्रलिस्ट टॉपर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से, सी स्कूल टॉपर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से, डीपीएस टॉपर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से, केवीएस टॉपर साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस से और मैं इटावा शिव कुमार सिंह, आप देखें टीवी इंडिया न्यूज। आज 10th का CBSE का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें आनंद मित्तल सर के कोचिंग के कुछ बच्चे, जिसमें ये आप देख रहे हैं, जो 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हैं, इन बच्चों को सम्मानित किया गया है और पुरस्कार भी दिया गया है। इस संबंध में हम बात करेंगे कुछ गार्जियन से। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। सर, आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 96.6% और ये अपने साइंस में 100 out of 100। इसके बारे में आप किसको सही देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो भाई टीचर और बच्चे का ही होता है। टीचर पढ़ाने वाला, बच्चा समझने वाला, अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो बच्चा अपने आप ही टॉप कर जाएगा। हम क्या हैं भाई, गार्जियन सिर्फ एक सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट, बाकी सारा कुछ है टीचर और बच्चे का, वो है कोऑर्डिनेशन। तो इस हिसाब से मित्तल सर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये नोट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको सुनने की ज़रूरत होती है, और बच्चा इनके लिए सुनता रहे ना तो वही नोट्स है उसके लिए, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, मेरा नाम अभिषेक प्रजापति है, मैं माउंट लिट्रा जी स्कूल में पढ़ता हूँ। इनके नोट्स और इनके मतलब पढ़ाई हुई सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह जो भी है, अगर ये आप सब करते तो आपके भी साइंस में फुल मार्क्स आ सकते। माता पिता का भी फुल सपोर्ट मिलता होगा आपको? हाँ, फुल सपोर्ट मिलता। क्या नाम भैया? मेरा नाम अक्षय दुबे है और मैं मतलब मैं क्लास मेरे साइंस में 100 मार्क्स आए हैं, ओवरऑल मेरे 94% हैं, और मतलब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है मुझे लगता है साइंस और सर क्लासेस का, क्योंकि उनके जो नोट्स होते हैं बेसिकली वो बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब उनसे एक बार आप नहीं पढ़ेंगे तो मतलब NCERT की भी इतनी नीड नहीं पड़ेगी आपको, और सर जो टेस्ट सीरीज़ कराते हैं वो भी बहुत अच्छी होती है, मतलब आपकी एक्यूरेसी उससे बढ़ती है, और सर भी सारे जो डाउट्स वाउट्स भी होते हैं वो भी सर सॉल्व कर देते हैं, तो फिर काफ़ी साइंस में उसी वजह से। क्या नाम भैया? मेरा नाम विकल्प अग्रवाल है और मैं सेंट मेरीज इंटर कॉलेज इटावा में पढ़ता हूँ। मेरे साइंस में पूरे 100 मार्क्स आए हैं और ओवरऑल मेरी 97.8% बनी है, तो मैं अपनी इस इतनी सफलता का श्रेय अपने टीचर्स आनंद मित्तल सर, अपने पेरेंट्स और ख़ुद को देना चाहूँगा। और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, साथ ही साथ मैंने सर का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, और सर के नोट्स से मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। नोट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप NCERT ना पढ़ें और केवल नोट्स पढ़ें तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जो सर करवाते हैं एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले, आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए और मैं अनडाउटेडली कहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लास में पढ़ते हैं?
मैं अभी 10th की स्टूडेंट हूँ, मेरे अभी साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं और मेरी परसेंट 96.8 बनी है, और इसका पूरा क्रेडिट मेरे सर आनंद मित्तल सर को और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने अपने पूरे सपोर्ट से मेरे को बहुत सपोर्ट दिया। सर ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे हैं और सर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब बहुत अच्छे से होते हैं। सर के जो नोट्स होते हैं उनसे हमारे साथ ज़्यादातर पेपर पूरा क्लियर हो गया था, और सर की टेस्ट सीरीज बेस्ट होती हैं, उनमें सारे क्वेश्चंस होते हैं जिस तरीके से हम कैसे अपना एग्ज़ाम्स लिखें। इवन जब टर्म वन बोर्ड था तब उसमें भी सर ने OMR से हमको प्रैक्टिस कराई थी जिससे हमारी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो, तो सर की वजह से हमारे 100 on 100 आए हैं। आप क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? मेरा एम्बिशन मेडिकल में जाना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। शैलवी सिंह। किस क्लास में? 11th, 10th पास किया। कितने मार्क्स आए आपके? साइंस में आए हैं 96 और टोटल परसेंटेज आए 94.8। इसमें आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय हम मम्मी पापा को भी देना चाहेंगे, मित्तल सर को भी देना चाहेंगे, उनकी वजह से 96 आए हैं। तो भविष्य में आप क्या बनने के इच्छुक हैं? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सर क्या नाम आपका? उमेश चंद गौतम। तो आपका बेटा किस क्लास में कोचिंग कर रहा है? इसमें 11th की। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? इंजीनियरिंग कराना चाह रहे हैं। कितने मार्क्स आए उसके? 94.6। साइंस में? नहीं, साइंस में 96। इसका से आप कैसे देना चाहेंगे? जी सर, सभी टीचरों को और विशेष तौर से मित्तल सर को। क्या विशेष लगता है इस कोचिंग सेंटर में या मित्तल सर में जो यहाँ मतलब बच्चा उत्साहित होकर पढ़ता है कि बिना किसी समस्या के? तो टीचर की वो मानसिक वैसे होते हैं जो बच्चे तो बढ़ दिए, मेरी बेटी आ गई है तो ये चीज़ है, तो वो जो पढ़ाते हैं अच्छे ढंग से तो सभी तभी तो बच्चे इतने बढ़ते हैं, नहीं तो बच्चे और भी कोचिंग हैं इतनी नहीं हो पाते हैं। जो CBSE का 10th क्लास का रिजल्ट निकला है इसमें आपके कोचिंग सेंटर की क्या प्रोग्रेस रही और कितने बच्चे कामयाब हुए टॉप में रहे? हाँ, मैं बता दूँ, मैं आनंद मित्तल, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस, और मैं 9th-10th साइंस क्लास ले रहा हूँ CBSE, 11th-12th बायोलॉजी और प्लस नीट तैयारी कर रहा हूँ, नीट एग्जामिनेशन की भी। मैं बता दूँ, आज CBSE ने एक साथ पहली बार ऐसा रहा है कि 10th और 12th दोनों का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर किया, और जैसा कि हर बार होता है जो हमारे यहाँ एक परंपरा सी बन गई है लगातार 15 सालों से कि हम हमेशा टॉप रह रहे, टॉप रिजल्ट्स देते हैं और सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो आज मैं बता दूं कि बायो में, मैं पहले बायो शुरुआत करूंगा क्लास 12 के रिजल्ट से, बायो में एक्चुअली आयुष यादव है जी स्कूल का, वो टॉपर भी है जी स्कूल का, उसने 98 मार्क्स गेन किए 100 में से। देन DPS में बच्ची है स्मृति सिंह, उसके 96 हैं। देन एक बच्ची है साक्षी भदौरिया KVS में, उसके 96 हैं। देन ऋषभ कुमार 95 सेंट VN से, देन 95 बच्चा अथर्व शुक्ला 95 JNV से, तो ऐसे 93 एक बच्चे ने ऑप्टेन किए हैं जी स्कूल से वरुण पुरवाल ने, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स 90 एवव गेन किए हैं सर बायोलॉजी में, और एक ऐतिहासिक रिजल्ट दिया है हमको बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्लास 12 CBSE में। जैसे बच्चों को पता है कि आप सबको पता है कि इस बार टर्म वन और टर्म टू रिजल्ट थे दोनों, तो टर्म वन में भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टर्म टू में हमने अच्छा परफॉर्म किया, और CBSE ने दोनों रिजल्ट्स को क्लब करके रिजल्ट दिया है और एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। और इटावा में हमने जैसे जाने जाते हैं रिजल्ट्स के लिए, तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वो करके दिखाया है, और इसमें पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का और जो वेल विशर्स हैं सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और अच्छा से अच्छे परफॉर्म करने की। अब मैं बात करूँ क्लास 10 के रिजल्ट्स की, ये तो शायद मेरे लिए शब्द ही कम पड़ जाएंगे कहने के लिए, ह्यूज एंड रिमार्केबल रिजल्ट, क्योंकि कारण यह है कि टोटल छः बच्चों ने हमारे यहाँ से साइंस सब्जेक्ट्स में पूरे 100 out of 100 मार्क्स गेन किए हैं, टोटल 6 स्टूडेंट्स ने, जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अभिषेक प्रजापति जी स्कूल से, शौर्य गुप्ता जी स्कूल से, देन बच्चा सेंट पीटर्स में है सनी यादव, 100 मार्क्स ने गेन किए, विकल्प अग्रवाल सेंट मेरीज 100 out of 100, कृतिका पोरवार सेंट मेरीज 100 पूरे मार्क्स गेन किए हैं, अक्षय दुबे सेंट मेरीज 100 मार्क्स गेन किए हैं, तो ऐसे टोटल 6 बच्चों ने जो है 100 out of 100 मार्क्स गेन किए हैं। देन 15 बच्चों ने 99 मार्क्स गेन किए हैं साइंस में, 15 बच्चों ने, 98 लिस्ट में से 10 बच्चे हैं, 97 बच्चों में से 8 बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं, देन 96 में 9 बच्चे हैं, और 95 मार्क्स टोटल 30 बच्चों ने, 30 मैं फिर बोल रहा हूँ, 95 मार्क्स गेन किए 30 बच्चों ने हमारे यहाँ से अकेले,
और 90 अब तो बहुत सारे बच्चे हैं एंड वी कैन से काउंटिंग अभी जारी है क्योंकि रिजल्ट आज ही आया है। और मैं बता दूं 98.2 शायद डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहना चाहिए इस बार का। तो दोनों बच्चे वो हमारे यहाँ से हैं, मोहम्मद हाशिर सेंट मेरीज का 98.2 एंड ऋषभ यादव 98.2 सेंट मेरीज से, ऋषभ कुमार 98.2। तो मे भी शायद ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो। तो हर बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हमारे यहाँ से रहता है, साइंस टॉपर भी हमारे यहाँ से रहता है, ऑल इंडिया साइंस टॉपर भी हमारे यहाँ से रहता है। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत रिमार्केबल रिजल्ट हमने दिया है और इसके लिए सभी का आभार। और मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इटावा एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है ना, कई सालों से, और अच्छा करता रहेगा और इससे अच्छा भी करेगा। और हो सकता है शायद हम आगे नीट में भी सिलेक्शन अच्छे से अच्छे देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप सबके लिए। धन्यवाद। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।